एक बार यस टाइप को आप ट्रेनिंग करते हैं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर लिखेंगे टाइप्स, कई कई चीजें हैं जो मैं आपको टेस्ट में पूछूंगी, और ऐसा भी होगा वो बुक्स में नहीं भी होगा होएगा, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी कोई भी क्लास लगे वो आप लिखते जाओ। ओके, तो सबसे पहले आप ये पांच ऑप्शंस लिखेंगे, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फर्स्ट, सेकंड इज जॉब ट्रेनिंग, थर्ड इज सेफ्टी ट्रेनिंग, फोर्थ इज प्रमोशनल ट्रेनिंग, फिफ्थ इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ओके। चलिए फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं वो पुरानी हो गई है, अब आपको दोबारा से सब कुछ अपडेट करना है, तो ये कौन सी ट्रेनिंग होगी? एक बार फिर से ऑप्शन बताऊंगी, ओरिएंटेशन, जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। बताओ अनुपम। मैम, नो, ओरिएंटेशन इट ट्रेनिंग। विल बी रिफ्रेशर। रिफ्रेशर क्या होगा? रिफ्रेशर क्यों होगा? क्योंकि रिफ्रेशर का मतलब है कि आप दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर रहे हो। ओके, क्लियर हुआ अनुपम? नेक्स्ट, यस मैम। आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये बताया जा रहा है। ये कौन सी ट्रेनिंग हुई? ओरिएंटेशन, जॉब, प्रमोशनल ट्रेनिंग। सेफ्टी? सॉरी, नो, दैट विल बी जॉब जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। जॉब, क्योंकि जॉब के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, थर्ड वन, तो मैम, आपको प्रमोशन भी तो जॉब मैं के सभी के दौरान ही। एग्जांपल्स दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट, अभी आप नए नए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हुए हो, तब आपको कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी? ओरिएंटेशन, जॉब, सेफ्टी, प्रमोशनल, रिफ्रेशर। बताओ। ओरिएंटेशन। यस, इट विल बी ओरिएंटेशन। नाउ, आप एक्सीडेंट्स कम से कम करें, डैमेजेस कम से कम करें, इसकी ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन, जॉब, सेफ्टी सेफ्टी, ट्रेनिंग। प्रमोशनल, रिफ्रेशर। बीच में बाकी बच्चे ना बोले, कमेंट्स सेफ्टी में जवाब देंगे बाकी बच्चे, बाकी सभी बच्चे अपना माइक मैम, क्लोज कर सेफ्टी। लेंगे। ओके, दैट विल बी सेफ्टी ट्रेनिंग। नेक्स्ट, आपको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप हायर लेवल की जॉब्स कर सको। पहले आपका लेवल लो था, अब आप हायर लेवल की जॉब कर सको, दैट विल बी कॉल्ड ओरिएंटेशन, जॉब, सेफ्टी, प्रमोशनल, रिफ्रेशर। प्रमोशनल। समझ लगा? प्रमोशनल और जॉब में क्या यस है, मैम। एग्जिस्टिंग जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो जॉब ट्रेनिंग है, एंड हायर जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है दैट विल बी प्रमोशनल ट्रेनिंग। ओके, सबको क्लियर हो गया है? पांचों के पांचों टाइप्स, टाइप यस इफ इट इज क्लियर। ओके, एक छठी टाइप होती है, वो होती है रेमिडियल ट्रेनिंग। रेमिडियल ट्रेनिंग मतलब कोई आपकी कमी पेशी रह गई है ना, कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई है ओल्ड एम्प्लॉयज में, पुराने एम्प्लॉयज में, उनको ट्रेनिंग देना, उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाई जाती है, एथिक्स ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती है, एंड ऑल। ठीक है जी? सो ये इनमें यस ये जनरल टेक्निक्स भी उनको ज्यादातर सिखाई जाती है ना। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एथिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ये बताओ। एथिकल ट्रेनिंग, मैम। एथिकल ट्रेनिंग, जिसमें एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस और हाँ, मोरल्स मतलब बताया जिसमें जाता है। जिसमें आप बेरवा मत करो, है ना, एथिक्स का फॉलो करो, यानी कि आदमी और औरत में तुम फर्क करो, एंड ऑल। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी मेथड्स, और सभी बच्चे उसको चार्ट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक तरफ लिखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आपने बताना है ये कौन सी ट्रेनिंग है। ओके, क्लियर हो गया? एक तरफ लिख लो ऑन द जॉब, एक तरफ लिख लो ऑफ द जॉब। फर्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसे ऑफ द जॉब कहा जाएगा या ऑन द जॉब? वेस्टिब्यूल, मैम, ऑफ द जॉब यस। क्या होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इफ यू कैन टेल मी? मैम, जिसमें यस मैम, जिसमें टूल्स के थ्रू समझाया जाता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरा उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट सेम क्रिएट हाँ, करके। यस मशीन्स वगैरह के थ्रू आपको सिखाया जाता है, बिल्कुल मशीन्स के थ्रू आपको सिखाया जाता है, डुप्लीकेट मशीन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, मैम, हाँ जी बोलिए। प्लीज मैम, मुझे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ना याद नहीं रहता। मतलब कुछ कुछ तो वर्ड समझ आते, बहुत कंफ्यूजन बैठता है हाँ, एग्जाम सारे टाइम सारे में। अब क्लियर करेंगे, ठीक है आकांक्षा? ठीक है, अब इसको सुनना है। ओके ओके, नेक्स्ट इज, साथ साथ में आप भी जवाब देते जाओ सो दैट आपका भी क्लियर हो, पर पहला आंसर देने का अनुपम का होगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो बोर्ड पे है। सेकंड, आप जवाब दे सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो भी बताएं, और अगर एग्री करो तो भी। ओके, नेक्स्ट इज अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, ये किस में होगा अनुपम? मैम, क्यों, ये ऑन द जॉब में। यस मैम। अप्रेंटाइसशिप को क्या बोलते हैं? मैम, अप्रेंटिसशिप जॉब मतलब एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए दिया जाता है, और
कुछ ही टाइम के लिए होता है और इसके लिए सैलरी भी मिलती है, मतलब क्या पर इसे हम इंटर्नशिप रेमुनरेशन ट्रेनिंग कह सकते हैं? इंटर्न इंटर्न लगने, इंटर्नशिप, या इंटर्नशिप, एज इंटर्नशिप यस ट्रेनिंग भी कहते एग्जैक्टली, हैं इसे। अप्रेंटाइसशिप को हम इंटर्नशिप कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? बाकियों को भी क्लियर हुआ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट इज क्लियर। आकांक्षा, इफ इट इज क्लियर लेट मी नो। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी किसमें आएगा? मैम केस स्टडी ऑफ द जॉब में आता है। केस क्या होता है केस स्टडी? स्टडी में एक प्रॉपर, मतलब मैम एक केस देंगे जिसका आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन बताना होता है, या फिर उस केस के हाँ बारे में पढ़ के अच्छे से उसका बिल्कुल रिव्यू देना पड़ता है उसमें। बिल्कुल, वेरी नाइस। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये किसमें आएगा? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन मैम ये ऑन द जॉब आएगा वेरी नाइस। इसमें क्या होता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में? मैम। जॉब के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, सारा पूरा इसमें आपको इंस्ट्रक्शन स्टेप इसमें बाय दिया स्टेप ट्रेनिंग दी जाएगा। जाती है और ट्रेनर एक्सप्लेन करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है और आपकी गलतियों को सुधारता भी है ट्रेन। ओके क्लियर हुआ? यस नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मैम। और डिस्कशन किसमें आएगा? मैम कॉन्फ्रेंस ऑन द जॉब में आएगा मैम। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन ऑफ द जॉब में, क्योंकि आप जॉब थोड़ी कर रहे हो ये कॉन्फ्रेंस वाली। ऑफ द जॉब जब आपको समझाया जाएगा कॉन्फ्रेंसेस रख के, डिस्कशंस रख कर कि कैसे इस काम को पूरा करना है। ओके सो कॉन्फ्रेंसेस एंड ये क्या यस हो मैम गया, किसमें आएगा? ऑफ द ऑफ द जॉब जॉब में। बेसिस। ओके लेबोरेटरी ट्रेनिंग, ये किसमें आएगा? ओ मैम ये ऑफ द जॉब में ही आएगा। यस, लेबोरेटरी ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? लेबोरेटरी में मैम कोई एक्सपेरिमेंट करना या फिर कुछ हाँ नया ऑफ द वो जॉब ही करना। होगा ना एक्सपेरिमेंट, खुद सोचो, है ना। यस मैम। प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन मैम ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब में आएगा। हाँ जी। प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मैम इसमें कोई अब इंस्ट्रक्शन जॉब रहेगा, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन और जो आपको प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है ये बताओ। प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन और जॉब इंस्ट्रक्शन में, जॉब मैम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जॉब इंस्ट्रक्शन के दौरान किए जाने वाले स्टेप्स को बताता है। ओके प्रोग्रामड में भी स्टेप्स बताए जाते हैं बट यस ये मैम आपको सिर्फ चेक भी एक किया तरीके का जाता है। थ्योरी पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो इसलिए इसमें आपको आपकी नॉलेज चेक करी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीक्वेंस में और आपको आंसर देने पड़ते हैं। समझ लगा? प्रोग्रामड यस इंस्ट्रक्शन मैम ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है एंड जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऑन द जॉब है। सभी बच्चे टाइप यस करें इफ इट इज क्लियर। ममता, आकांक्षा, एवरीवन, ठीक है जी, लक्ष्मी, ओके एवरीवन, क्लियर हुआ? चलिए यस मैम। नेक्स्ट आप मुझे बताएं जॉब रोटेशन किस में आएगा? मैम ऑन द जॉब ऑन द जॉब, जॉब रोटेशन में क्या होता है आपको? जॉब रोटेशन में एक ही लेवल पे, मतलब जॉब का हाँ मतलब उसका वो ट्रांसफर करते हैं मैम। हाँ आपको एक जगह से दूसरी सेम जगह टास्क रोटेट सेम करते हैं चीज ताकि रहता आपको एक्सपीरियंस मिले अलग अलग जगह से और आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी है। समझ सको। कोचिंग किस में आएगा? कोचिंग, कोचिंग भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है मैम। यस। कोचिंग में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंदर, सुपरवाइजर के अंडर रखा जाता है और वो आपको ट्रेनिंग देता है कि काम ऐसे करो। ओके ट्रेन कोचिंग का पता लग यस गया, ये ऑन द जॉब है, ठीक है जी, और लेक्चर ऑफ द जॉब है। पता लगा कोचिंग और लेक्चर में क्या फर्क है? कोचिंग डायरेक्ट सुपरवाइजर के अंदर होती है, लेक्चर में सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है इसीलिए उसे ऑफ द जॉब कहते हैं। टेलीविजन आ जाए, ये भी ऑफ द जॉब है। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन, मैम सिमुलेशन एक तरह का मतलब इन्वायरमेंट से हमको कोई ऐसा चीज फील होता है जो हमें करना होता है एक तरीके का एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टेंजिबल बोलूं टच। अनुपम मैं तुम्हें 50 रुपए देती हूँ, तुम इस 50 रुपए में कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो या क्या करती हो, मतलब एक तरीके का तुम्हें एक एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करा और तुम्हें 50 रुपए दिए हैं, तुम 50 रुपए में कलर्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैं देखूंगी कि अगर किसी इंसान को 50 रुपए दिए जाए तो वो उससे क्या कर सकता है, तो दैट विल बी लाइक सिमुलेशन ट्रेनिंग। क्लियर हुआ? क्लियर यस हुआ? मैम हाँ जी। यस मैम। और रोल प्ले, रोल प्ले पता है आपको, पहले ऑन द जॉब की ऑफ द जॉब? जॉब होगा
ऑफ द ऑफ द जॉब। जॉब होगा मैम। हाँ, क्या होता है रोल प्ले में? आपको एक रोल दिया मैम एक जाता है, रोल जैसे मैनेजर का मतलब रोल दे दिया है ना, यस एंड ऑल। मैम। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू अनुपम। नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाओ फटाफट से। थैंक यू सो मच।